मैम डिप्रेशन से कैसे बचें? देखो डिप्रेशन से कैसे बचें, ये तो ये कह सकते हैं कि एक तो आप हेल्दी रहें, हेल्दी मींस थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी आपकी डेली रूटीन में होनी चाहिए, चाहे वो 30 मिनट्स की हो 20 मिनट्स की हो, कुछ थोड़ा बहुत टाइम आप या तो फैमिली या तो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ एक दो लोग आपके जीवन में होने चाहिए जिनसे आप बातें शेयर कर लेते हैं, है ना। दो चीज़ें ये हो गई, एक एक्सरसाइज हो गया, ये बिल्कुल रैंडमली मेरे दिमाग में आ रहा है, एक्सरसाइज हो गया थोड़ा बहुत किसी भी फॉर्म में, चाहे आप कोई स्पोर्ट्स खेल लेते हो, पार्क में दौड़ लगा के आ जाते हो, है ना। दूसरा आपका जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी, शेयर करना है, चाहे एक से दो लोग ही हों उनसे चीज़ें आप क्लियरली शेयर कर पाएँ, ठीक, और वो आपको समझ पाएँ, चाहे वो आपकी मम्मी हो, पापा हो, या किसी से अगर स्पेसिफिकली दिक्कत है तो उस बात को भी कन्वे करने की कोशिश करें, मन में ना रखें, ठीक। तीसरा फिर वही है कि लाइफ को लेके एक प्लान बनाना होता है कि बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग फिर चलना होता है, डरना नहीं होता है ना। कई बार डर आपके सामने आता है तो उसको रीजनिंग से, बार बार क्वेश्चनिंग से ठीक करना होता है कि ठीक है ये होगा तो भी देख लेंगे, अभी तो जो हम सामने वो करेंगे, वैसे भी लाइफ में है क्या, मतलब एक दिन तो सबको खत्म ही होना है, तो डर है किस बात का, खोने को है क्या, है ना। तो थोड़ा सा बड़ा सोचना होता है और अपने दायरे को विकसित करना होता है, ज़रूरी नहीं है आप सब पे ध्यान दें, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती, आपके आसपास के दो चार लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और वो होने चाहिए, और आपका अपने काम पे ध्यान होना चाहिए। अगर आप सबकी परवाह करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। कुछ टाइम के लिए आपको बिल्कुल बहरा बनना पड़ता है कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे कौन क्या कह रहा है, आपको पता है आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा। और लाइफ में अगर स्पेशली करियर या कोई एक एस्पेक्ट अगर सेटल हो जाए ना तो आसानी हो जाती है बाकी चीज़ों को मैनेज करने में। देखो दर्द और दुख तो सबकी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में होते ही हैं, बट बात वही है कि आप कितने अच्छे से उसको टैकल कर पाएंगे, कितने बेहतर तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे, ठीक है बात। और वो मैनेज करने की ताकत आपको जुटानी होती है अंदर से ही, और कई बार हम डरते हैं चीज़ें फेस करने से, फेस कर लो, कुछ नहीं होता, अंतिम कुछ नहीं है लाइफ में, है ना। जब तक जीवन है तब तक फेस करो, पेन होगा उसको भी फेस करो, क्वेश्चनिंग करो, मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन से काफ़ी फर्क पड़ता है ना, और किताबें पढ़ सकते हो अच्छी, कुछ अच्छे सेशंस देख सकते हो यूट्यूब वगैरह पे डिप्रेशन से रिलेटेड, या फिर जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं इवन, मतलब इस तरह के सेशंस देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि काफ़ी तरीके हैं, बाकी तो अगर आपकी बॉडी वाला जो और डाइट वाला जो एस्पेक्ट है वो मैनेज रहे, दूसरा ये इमोशनल एस्पेक्ट आपका शेयरिंग वाला, और आप काम कर रहे हो जीवन में बेस्ट और वर्स्ट को लेकर के आप तैयार हो, तो फिर आप दूर ही रहते हैं, या एक फेज़ आता भी है तो आप निकल जाते हैं। कभी भी काम करना ना छोड़ें ऐसे फेज़ में कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ गए, तो वो फिर और ज़्यादा आपको उस चीज़ में धकेलते जाएंगे, आप डार्कनेस में जाते चले जाएंगे। शर्मिष्ठा और हेल्प सीख करनी चाहिए, चाहे प्रोफेशनल हेल्प लेने की जरूरत पड़े ले लेनी चाहिए, बट ज़्यादातर केसेस में मुझे लगता है नॉर्मल इंसान निकल जाता है, ये सभी की लाइफ में फेज आता है।